संत श्री आशाराम जी बापू गांधीनगर केस अपडेट 11 व 12 जुलाई 2024। 11 जुलाई 2024 गुजरात हाईकोर्ट में पूज्य बापूजी के गांधीनगर केस में सजा स्थगन अर्जी पर सुनवाई थी। लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई। पूज्य बापूजी पक्ष के वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट के सामने पूज्य बापूजी के केस में लड़की कैसे झूठ पर झूठ बोल रही है, ऐसे लगभग 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सत्य को उजागर करने के लिए बापूजी के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुए हैं, उनके बारे में जो अलग अलग 3 स्टिंग ऑपरेशन हुए थे, उनके बारे में असरकारक ढंग से कोर्ट को बताया। केस के जांच अधिकारियों द्वारा की गई पूर्वाग्रह युक्त जांच, गवाहों पर अनुचित दबाव डालकर निवेदन लेने एवं महत्वपूर्ण तथ्यों एवं गवाहों को कोर्ट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किए जाने के बारे में भी बताया। पूज्य बापूजी की 87 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य की अति गंभीर स्थिति के बारे में भी बताते हुए जल्द से जल्द पूज्य बापूजी की सजा स्थगन अर्जी को मंजूर करने के लिए माननीय कोर्ट के सामने प्रार्थना रखी। कोर्ट ने जोधपुर जेल के अधिकारियों से तत्काल मेडिकल रिपोर्ट मंगवाने हेतु सरकारी वकील को 11 जुलाई को निर्देश दिए थे। जवाब में सरकारी वकील की तरफ से 12 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया। कोर्ट ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए समय मांगा है, साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख 22 जुलाई की दी है।